भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के तत्वाधान में रविवार को चंपा देवी पार्क से विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष गुप्तेश्वर त्रिपाठी सहित अन्य लोगों के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। तत्पश्चात जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने झंडी दिखाकर ट्रैक्टर रैली को रवाना किया, जिसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा क्षेत्र अध्यक्ष गुप्तेश्वर त्रिपाठी ने बताया कि ट्रैक्टर किसानों की समृद्धि, उन्नति, प्रगति और उनकी साधना का प्रतीक है और कृषि का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। उन्होंने बताया कि किसानों की समृद्धि से ही देश की समृद्धि हो सकती है। किसानों के सहयोग से 2022 में दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष गुप्तेश्वर त्रिपाठी ने कहा, अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से पूरे टीम के भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा जिले भर के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री किसान मोर्चा आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। उनको विलम्ब हो रहा है, इस कारण से वो जा रहे हैं, स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी किसान मंच पर विराजमान, कहीं ऐसा ना हो कि ये बीच में धार में जो है चीज हुआ। मित्रों, क्या इतने बड़े कार्यों को वालों के लिए कार्य है, हमारे सब लोगों के कार्य है, मेरे बच्चा और भी लोग हैं, मैं अपनी वाणी को विराम हार्दिक स्वागत समस्त मंच में आग्रह करता हूँ। सबके विचार परिवार की नींव रखने वाले दोनों मनीषियों का उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके अपना आभार प्रकट करते हुए उनका सम्मान करते हुए और कार्यक्रम का प्रारंभ। ट्रैक्टर के साथ आए हुए समस्त कार्यकर्ताओं, चालक बंधुओं का इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूँ। हमारे गीता नगर मंडल से आए हुए उत्तर प्रदेश की नई टीम का गठन हुआ है। हम लोगों ने नियोजित तरीके से कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों के बीच में निरंतर जाने का और किसानों के बीच में उनका जागरण करने का केंद्र और प्रदेश सरकार की जो श्रृंखलाबद्ध कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लेकर के जाने का कार्यक्रम किया। और उत्तर प्रदेश के अंदर नई टीम गठित होने के बाद सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिले और हम लोगों ने गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर के जब मुख्यमंत्री जी से चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, किसानों के बीच में जाओ और उनके बीच में जाकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर के आइए, उसके बाद विचार किया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज यहाँ पे जीटी का पेपर है और दूसरा आज लगन भी बहुत तेज है और कई पदाधिकारी गणों के यहाँ पे कुछ शादी है, इस वजह से बहुत लोग नहीं उपस्थित हो पाए हैं, लेकिन फिर भी जितने भी लोगों ने इस रैली में सहयोगिता अपनी दिखाई है उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ और एक बार पुनः आप सब लोगों का स्वागत करते हुए धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी के किसान समर्थन को एक बार दर्शाना है और ये पूरा संदेश पूरे देश के अंदर यहाँ पर उपस्थित है, अब सबसे बड़ा आ गया है।
कल्पेश्वर त्रिपाठी है, क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र का। ट्रैक्टर किसानों की समृद्धि, उन्नति, प्रगति और उनकी साधना का प्रतीक है। कृषि का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है ट्रैक्टर। अतीत में हल चलाया जाता था खेतों में और किसान हलों की पूजा करते थे। आज वर्तमान परिवेश में हल का स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया है, इसलिए कृषि साधना के महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में ट्रैक्टर को मान करके हमने किसान भाइयों का आह्वान किया और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ट्रैक्टर रैली का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। उसी क्रम में आज गोरखपुर में ये किसान ट्रैक्टर रैली का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का मानना है कि किसानों की समृद्धि से ही देश की समृद्धि हो सकती है और यह शाश्वत सत्य है कि भारतवर्ष की श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसानों के हित में जितने काम किए हैं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने और किसी भी सरकार ने किसानों के लिए उतने काम नहीं किए। अगर गिनाया जाए श्रृंखलाबद्ध ढंग से तो सैकड़ों की संख्या में ऐसी योजनाएं हैं जो चल रही हैं और जिनके माध्यम से किसानों का निरंतर भला हो रहा है। उत्तर प्रदेश की पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो सरकार बनने के सबसे पहला काम, पहली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के किसानों का 36 लाख किसानों का 86 लाख करोड़ रुपए का कर्जा एक साथ माफ करने का काम ऋण मोचन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की सरकार ने करके अपने काम का पहला पुष्प अन्न के भगवान किसान के चरणों में समर्पित करने का काम किया और उससे बाद से लेकर के आज तक चाहे जितने भी योजनाएं हों, फसल बीमा योजना से लेकर के किसान सम्मान निधि से लेकर के बीज के वितरण से लेकर के कृषि उपकरणों में 90% की सब्सिडी से लेकर के और जितने भी किसान मानधन योजना से लेकर के जितनी योजनाएं गिनाई जाएं किसानों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सतत प्रयत्नशील है, भारत की सरकार सतत प्रयत्नशील है और उसी की कृषि की लाभकारी जो योजनाएं हैं इन योजनाओं को बताने के लिए किसान मोर्चे ने पिछले दिनों पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। संवाद कार्यक्रम के बाद हमने चौपाल के कार्यक्रम आयोजित किए। चौपाल के कार्यक्रम के बाद ये ट्रैक्टर रैली का कार्यक्रम है और उसके बाद हम बड़ी संख्या में पूरे जिलों के अंदर सम्मेलन का, किसानों का सम्मेलन का कार्यक्रम करेंगे और पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि किसानों की अगुवाई में किसानों के सहयोग से इस बार पुनः 2022 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार फिर से बनने जा रही है और किसानों के लिए जो हमने किया है उस कार्य को गति देते के हुए आगे भी जो कुछ किया है हमने किया है, आगे भी जो करेंगे वो हम ही करेंगे, इस बात का हमें पूरा विश्वास है और इसी प्रतिबद्धता के साथ हम लोग आज ट्रैक्टर रैली का एक कार्यक्रम कर रहे हैं।